नमस्कार, 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं डॉक्टर मनोज जोशी संस्कृत विभाग से आप सभी सुधी श्रोताओं के समक्ष BASL 101 नाटक अलंकार और छंद पुस्तक से महाकवि कालिदास विरचित विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु प्रस्तुत कर रहा हूं। इस नाटक के संबंध में एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम् रम्यम् तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा महाभारत के आदि पर्व शाकुंतल उपाख्यान से ली गई है। वहां पर यह कथा बहुत ही साधारण रूप में प्राप्त होती है, परंतु महाकवि कालिदास ने अपनी कल्पनाशीलता से इस नाटक को अत्यंत रोचक और प्रभावशाली बना दिया, जिस कारण इस नाटक ने सर्वोत्कृष्ट नाटक होने का गौरव प्राप्त किया। यह संपूर्ण नाटक 7 अंकों में लिखा गया है। नाटक के आरंभ में सर्वप्रथम ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया गया है, जिसमें अष्टमूर्ति भगवान शिव की वंदना की गई है। तत्पश्चात सूत्रधार द्वारा ग्रीष्म ऋतु का मनोहर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत अपने सारथी के साथ महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करता है। जैसे ही राजा मृग को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है, उसी समय एक तपस्वी शिष्यों के साथ प्रवेश करके राजा को ऐसा करने से रोकते हैं और बताते हैं कि यह मृग आश्रम का है, अतः इसे आप नहीं मारिए। राजा तपस्वी की बात मान लेते हैं और तपस्वी राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति होने का आशीर्वाद देते हैं और महर्षि कण्व के आश्रम में आतिथ्य स्वीकार करने का भी निवेदन करते हैं और स्वयं चले जाते हैं। दुष्यंत रथ को बाहर ही छोड़ देते हैं और सामान्य वेशभूषा में आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही वह वृक्षों का सिंचन कर रही शकुंतला को देखकर उस पर आकृष्ट हो जाता है और शकुंतला भी दुष्यंत से प्रभावित होती है और उस पर आकृष्ट हो जाती है। सखियों से बातें करते हुए दुष्यंत को पता चलता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। महर्षि कण्व के आश्रम में उसका लालन पालन हुआ है। इसी बीच आश्रम में जंगली हाथी आ जाता है। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ हाथी को रोकने के लिए चला जाता है और शकुंतला भी अपनी सखियों के साथ चली जाती है। प्रथम अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। द्वितीय अंक के प्रारंभ में विदूषक के वार्तालाप से पता चलता है कि राजा शिकार करने में व्यस्त है। विदूषक भी जंगली जानवरों के पीछे भाग भाग कर बहुत ज्यादा थक चुका है, इसलिए वह हास परिहास करते हुए राजा दुष्यंत से आखेट रोकने की प्रार्थना करता है, जिसे दुष्यंत स्वीकार कर लेता है। इसी बीच दुष्यंत से दो तपस्वी आश्रम में ही रुकने की प्रार्थना करते हैं ताकि तपस्वियों के यज्ञादि कार्य निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो सकें। राजा भी इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इसी बीच राजधानी से माता के बुलावे का संदेश लेकर एक दूत आता है। राजा स्वयं का तपोभूमि में रहना उचित समझता है, इसलिए वह विदूषक को राजधानी भेज देता है और यहीं पर द्वितीय अंक की समाप्ति होती है। तृतीय अंक में राजा वृक्षों के पीछे छिपकर शकुंतला और उसकी सखियों का वार्तालाप सुन रहा होता है। इसी बीच गौतमी प्रवेश करती है और शकुंतला को लेकर चली जाती है। राजा भी धनुष बाण लेकर चला जाता है और यहीं पर तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह की सूचना प्राप्त होती है। विवाह के बाद राजा शकुंतला को एक स्वनामांकित अंगूठी देता है,
और कुछ ही दिनों में शकुंतला को अपने पास बुला लेने का आश्वासन देकर राजधानी चला जाता है। दुष्यंत के वियोग से अत्यंत व्याकुल शकुंतला को ऋषि दुर्वासा के आने का पता ही नहीं चल पाता और ऋषि दुर्वासा बिना विचार किए क्रोध में इस बात से अपमानित होकर के कि शकुंतला के द्वारा मेरा सम्मान नहीं किया गया, वह शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि तू जिसका भी स्मरण कर रही है वह तुझे भूल जाए। तो इस पर शकुंतला की जो सखियां हैं वह अत्यंत चिंतित हो जाती हैं और वह ऋषि दुर्वासा से क्षमा प्रार्थना करती हैं। तब दुर्वासा कहते हैं कि यदि शकुंतला किसी अपनी पहचान की वस्तु को दिखाएगी तो वह इसे पहचान सकेगा। इसी बीच तीर्थ यात्रा से लौटे हुए महर्षि कण्व को आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला और दुष्यंत के गांधर्व विवाह की सूचना प्राप्त होती है। तदनंतर कण्व शकुंतला को उसके पति दुष्यंत के पास गौतमी, सारंगरव और शारद्वत के साथ भेज देते हैं। यहीं पर चतुर्थ अंक की समाप्ति होती है। पंचम अंक में गौतमी, सारंगरव और शारद्वत शकुंतला को साथ लेकर दुष्यंत के राजदरबार में पहुंचते हैं। जब तपस्वियों द्वारा राजा से शकुंतला के साथ विवाह की बात की जाती है तो वह इस बात को मिथ्या बताता है, क्योंकि शाप के प्रभाव के कारण राजा शकुंतला के साथ विवाह की बातें भूल चुका था। अब राजा को याद दिलाने का एकमात्र सहारा वह अंगूठी थी जो शकुंतला को राजा ने दी थी, उसे दिखाया जाए। परंतु मार्ग में शकुंतला के हाथ से अंगूठी सची तीर्थ के जल में गिर जाती है। अब श्राप के कारण राजा को याद दिलाए जाने पर भी कुछ भी याद नहीं आता है। तपस्वियों और राजा के मध्य अत्यंत आवेशपूर्ण वार्तालाप होता है। राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करता है और तपस्वी जन भी रोती विलखती शकुंतला को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसी समय एक तेजोमयी ज्योति आती है और विलाप कर रही शकुंतला को उठाकर ले जाती है। यहीं पर पंचम अंक की समाप्ति होती है। षष्ठ अंक में शकुंतला की खोई हुई अंगूठी एक मछुआरे को मिल जाती है। वह अंगूठी को बाजार में बेचने के लिए जाता है, लेकिन अंगूठी पर राजा का नाम लिखा होने के कारण सिपाही मछुआरे को चोर समझकर पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा अंगूठी को देखता है और अंगूठी को देखते ही उसे शाप के कारण भूली हुई सभी घटनाएं याद आ जाती हैं। इसी बीच इंद्र का सारथी मातली भी आता है। वह राजा को इंद्र का संदेश देते हुए बताता है कि दैत्यों के संहार के लिए इंद्र ने आपको आमंत्रित किया है। राजा इंद्र की सहायता के लिए स्वर्ग की ओर चला जाता है और यहीं पर षष्ठ अंक की समाप्ति होती है। सप्तम अंक में राजा युद्ध में राक्षसों पर विजय प्राप्त कर लेता है और स्वर्ग से लौटते समय राजा हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम को देखते हैं, जहां एक तेजस्वी बालक शेर के बच्चे के दांत गिनने का प्रयास कर रहा होता है। राजा उसके पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हो जाता है और उसे अपने पुत्र के समान प्रेम करने लगता है। बालक के हाथ में बंधी अपराजिता नाम की औषधि के स्पर्श द्वारा दुष्यंत को यह ज्ञात होता है कि यह बालक उसी का पुत्र है। इसी बीच शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है। तदनंतर राजा दुष्यंत, शकुंतला और उसका पुत्र सर्वदमन भरत महर्षि मारीच के दर्शन के लिए जाते हैं। महर्षि मारीच दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा को निर्दोष बताते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यहीं पर भरत वाक्य के साथ नाटक की सुखद और मंगलमयी परिसमाप्ति हो जाती है। धन्यवाद।